ग्वालियर में दो भाइयों के बीच हो रहे झगड़े में गोली चल गई, जिससे सड़क से निकल रहा एक छात्र घायल हो गया। गोली छात्र की कोहनी से टकरा कर पेट के पास कमर में जा लगी, जिससे छात्र बुरी तरह से जख्मी हो गया। ग्वालियर में दो भाइयों के बीच झगड़ा हो रहा था। इसी बीच विवाद इतना बढ़ गया कि भाइयों ने गोली चला दी और झगड़े में चली गोली सड़क से निकल रहे एक छात्र को जा लगी। गोली लगते ही छात्र बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा। वहीं छात्र को तत्काल हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। फिलहाल छात्र की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और छात्र का बयान दर्ज कर उसके परिजनों को मामले की सूचना दी। वहीं फायरिंग करने वाले युवक पर मामला दर्ज कर लिया गया है और उसकी तलाश की जा रही है। थाटीपुरा थाना क्षेत्र में दो भाइयों में विवाद चल रहा था, चौहान प्याऊ के पास में। तो एक युवक वहाँ से निकल रहा था और युवक को जो है उसने बीच बचाव करने का प्रयास किया, तो युवक को जो है गाली गलौज करी और जान से मारने की नीयत से फायर किया, तो उसकी छर्रे उसके हाथ में और पेट में छर्रे लगे। उसकी रिपोर्ट पर से जो है प्राणघातक हमला और मारपीट और गाली गलौज का अपराध पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण में विवेचना की जा रही है। आरोपियों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय समक्ष पेश किया। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल NIRF रैंक फॉर 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।